का जो डे था हमें थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि हमारी जो थी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा स्टे किया उसके बाद जब सुबह हम होंजा के लिए निकले और चिलास से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, धूप निकली भी है। आज तो इतनी ठंड नहीं है, अमूमन जितनी ज़्यादा होती है, लेकिन बर्फ़ को भी इंजॉय किया है और आगे भी इंशाल्लाह इंजॉय। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताइज ट्रांसपोर्ट के जनरल मैनेजर। हम उनसे उनकी तासरात लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो लोकल टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ से, उनको किस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन मुहैया किया जाता है और यहाँ से खुंजराबटाप तक कौन सी गाड़ी अवेलेबल होता है जो यहाँ से खुंजराबटाप उनको लेके जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया वालों को तमाम को शुक्रिया जो कि आप लोगों ने हमें कवरेज किया। तो अलबत्ता जो है सर्दी में जो है ना टूरिस्ट कम आते थे यहाँ पर, क्योंकि इसलिए कम आते थे कि यहाँ पर जो है ना फैसिलिटीज़ कम होते थे, वाशरूम का निज़ाम नहीं था, तो उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट जो प्राडोज़ वगैरह नहीं मिलते थे। अभी हमने तकरीबन 3 साल से जो ना ताई ट्रांसपोर्ट ने ये स्टेप लिया है कि हम जो ना टूरिस्ट को जो ना फैसिलिटीज़ करें, तो हमने यहाँ पर जो है ना वाशरूम का निज़ाम हमने चालू किया और रेस्टोरेंट चालू किया। और हम भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुंजराब कैफे गुली गिरचा में जो है ना ये सारा निज़ाम चालू किया। गुली गिरचा में इसलिए हमने स्टार्ट किया कि यहाँ पर जो है ना चश्मा पानी है और पानी जम जाता नहीं, ककड़ नहीं जम जाते। उसके बाद यहाँ पर जो है फैसिलिटी ये है कि ट्राउट फिश है, तो जो लोकल टूरिस्ट यहाँ पर जो आते हैं तो वो ज़्यादातर जो ना लोकल ट्राउट फिश और लोकल डिशेज ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसी तारीफ सुनी थी हमने वाकई में वैसी बाय उससे बल्कि हमने ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया है और बहुत ही मज़ा आया इधर आके, और ताउन भी क्या, लोग भी यहाँ के बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आए, बहुत पसंद आया, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करी सा होगा। लेकिन यहाँ आके यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो आप वेदर कह लें उससे बहुत मुख्तलिफ है। ठंड तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ के जो सीनरी आप कह लें, आप नेचुरल ब्यूटी कह लें, ये अपने वहाँ से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छे लोग, बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में रहा है, शायद मैंने देर कर दी आने में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वादी हमजा, ठीक है, नाम बहुत सुना था हमने, ठीक है, और इसकी खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान में बड़ा फेमस है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ना कि जो आके आपके आइज व्यूज़ और जो आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ आप ज़रूर आएँ, आप आके ये व्यूज़ देखें। अगर आपने ये नहीं देखा ना तो आपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े का है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो है ना हम लोग फ्रस्ट्रेशन में थे, ठीक है, काफ़ी एक हमने सर्वाइव किया इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, हम भी थे फ्रस्ट्रेशन में, आए हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और मैं यही बस बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप आएँ, बहुत ही इंजॉय करेंगे।